हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान और मल्टी कलर बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। मल्टी कलर जो है वो वूल हम यूज करते हुए बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे थे कि सारे पैटर्न जो है मल्टी कलर में उभर कर नहीं आते हैं, हौच पौच सा हो जाता है पैटर्न। तो ये जो बुनाई डिजाइन है इसे आप सॉलिड कलर में यानी कि सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और इसे आप मल्टी कलर ऊन पे भी बनाएंगे तब ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ली है। 4-ply एक्रेलिक यार्न ही है ये भी, देखिए। और इसके अलावा इसके लिए जो हमने स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 5-5-5 ऐसे 5-5 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 5 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा फंदे, जैसे 10-15-20-25 इस तरह से, और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने जो है 12 फंदे लिए हैं, 12 स्टिचेस, और हमारी जो है 2 फाउंडेशन रोज बनेंगी। और फर्स्ट रो जो फाउंडेशन रो है वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी, उल्टी तरफ से। तो सीधी साइड को आप जो है बॉर्डर की तरह जो भी आपने बॉर्डर बुना होगा उससे ही बना लीजिएगा। और रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो में हमने देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, और यही 5-5 फंदे हैं जो हमने बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 5 स्टिचेस, निट 2 पर्ल 3, 2 सीधे 3 उल्टे, 1 2 3। तो ये हम 5-5 फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। स्टार्टिंग में भी 2 सीधे हैं, लास्ट में भी 2 सीधे फंदे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने ये जो है फाउंडेशन रो 1 कंप्लीट की रॉन्ग साइड से, फाउंडेशन रो 2 इसे राइट साइड से, जैसे हैं फंदे वैसे ही बुनेंगे, वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर। तो ये 2 उल्टे आएंगे, 3 सीधे आएंगे इस तरफ से, फिर ये 2 उल्टे, 3 सीधे, और ये पूरी रो ऐसे ही बन जाएगी, 2 उल्टे। अब पैटर्न की रो 1, पहली सिलाई पैटर्न की रॉन्ग साइड से ही शुरू होगी और इसे हमने ऐसे ही बुनना है जैसे हमने बुना, यानी कि 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। अब ये पैटर्न की रो है लेकिन बुनी ऐसे ही जाएगी, फर्स्ट 2 सीधे, 3 उल्टे। तो पूरी की पूरी रो ऐसे बना लेंगे, लास्ट में हमारे 3 उल्टे के बाद 2 सीधे ही आएंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट की ऐसे। ये फाउंडेशन रोज बनाना जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, सिर्फ स्टार्टिंग में ही। अब देखिए पैटर्न की रो 2 राइट साइड से दूसरी सिलाई, जो उल्टे फंदे हैं इन्हें तो उल्टा ही बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप करते हैं, स्लिप कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारे 3 सीधे फंदे हैं इसमें से 1 2 3 जो ये थर्ड रो है, ये रो हमारी जो है फाउंडेशन रो है, और यहां से हम एक लूप निकालेंगे ऐसे, जो इन 3 में से बीच वाला फंदा है उसके नीचे थर्ड रो में से ऐसे लूप निकाला। अब इन 3 फंदों को सीधा बुन देंगे, दिस 3 स्टिचेस, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम यहां से इसी पॉइंट से एक और लूप निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हमने जो है दूसरा लूप भी निकाल लिया। अब अगले 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और यही हमने 5 फंदे जो है वो रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 5 स्टिचेस। फिर से देखिए, धागा पीछे ले जाएंगे 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद, जो ये 3 सीधे हैं इसमें से 1 2 3 थर्ड रो में से ऐसे एक लूप निकालेंगे। अब इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर इसी पॉइंट में से हम वापस एक लूप निकालेंगे ऐसे। तो हमने इन 3 फंदों के आगे और पीछे एक एक लूप निकाल लिया, 2 फंदे उल्टे पूरी रो में ये करते गए, लास्ट में फिर हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये 2x3 गार्ड जो है रिप स्टिच ही है, इसलिए ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो हमें इसमें फंदे बढ़ाने पड़ते हैं बॉर्डर के बाद। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट इससे बनाएंगे नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी किस हिसाब से हमने फंदे बढ़ाने। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा इसे भी रॉन्ग साइड से,
ये दो फंदे तो सीधे जो हैं ये सीधे ही चलते जाएंगे, जो गैप के फंदे हैं ये ऐसे ही आएंगे सीधे। अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, ये जो हमने लूप बनाया था इसे बिना बुने उतारेंगे, ऐसे लूप को स्लिप किया। अब ये जो तीन फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे, पर्ल दीज थ्री स्टिचेस, ये तीनों फंदे उल्टे बुने, और फिर से ये लूप जो है इसे बिना बुने उतारेंगे, ऐसे पर्ल वाइज जैसे उल्टा बुनते हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे और यही पांच फंदे हमने रिपीट करने हैं, दो फंदे सीधे, धागा आगे, पहले ये लूप जो है बिना बुने उतारा, फिर ये जो तीन फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे, टू थ्री, और फिर से ये जो लूप है इसे बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे, और ये पूरी रो में हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो थर्ड रो हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब रो फोर्थ, चौथी सिलाई, इसमें हम फिर ये जो उल्टे फंदे हैं ना उल्टा बुनेंगे, स्लिप करते हैं तो फर्स्ट स्लिप कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, धागा पीछे ले जाएंगे, ये जो हमने लूप पहले बनाया था इसे उतारेंगे और इस फंदे को उतारेंगे और दोनों को ऐसे बैक लूप से दो का इकट्ठे बुन देंगे, यानी कि एस एस के लूप और एक फंदे का एस एस के किया। अब बीच का फंदा सीधा आएगा और इस तरफ से हम नॉर्मल ऐसे दो का एक कर देंगे, इस तरफ से हमने लूप को घुमाना था तो एस एस के से बुना और बीच का एक फंदा सीधा, और इस तरफ हमने दो का एक कर दिया नॉर्मल, और फिर दो फंदे उल्टे, और यही हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे हमने लूप और फंदे को एस एस के करके बुना, पहले स्लिप स्लिप निट, फिर एक फंदा सीधा और फिर दो फंदों को ऐसे निट टू टुगेदर, यानी दो का एक करते हुए, फिर दो फंदे उल्टे, और ये पूरी रो में ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे आ गए। अब ये जो चार सिलाइयां हैं इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करना है, लेकिन अगली बार हमने लूप कैसा निकालना है इसलिए आपको फिर से बताऊंगी। देखिए ये हम फिर से फर्स्ट रो ही बुन रहे हैं, फिफ्थ रो में दो फंदे सीधे आ जाएंगे, तीन फंदे उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, फर्स्ट रो में भी हमने यही किया था, दो सीधे। तो ये हमने फिफ्थ रो बुनी, पांचवी सिलाई बुनी रॉन्ग साइड से। अब देखिए सिक्स्थ रो, छठी सिलाई राइट साइड से, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से इन उल्टे फंदों को तो जैसे थे उल्टा वैसे ही बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और अब जो हमने लूप निकालना है, देखिए वन टू थ्री, ये जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, ये क्लियरली दिख रहा है, देखिए वन टू और ये थ्री, जो तीसरा पॉइंट है इसमें से हम लूप निकालेंगे ऐसे, फिर इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे जैसे बुन रहे थे, फिर से एक लूप निकालेंगे इसी पॉइंट में से, फिर दो फंदे उल्टे। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर हम लूप निकाल के देखते हैं। देखिए ये जो तीन सीधे फंदे हैं इसमें से वन टू थ्री, जो थर्ड रो है वहां से हमने ऐसे लूप निकालना है, फिर ये तीन फंदे सीधे। तो ये बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है, लेकिन बनने के बाद ये कैसा दिखाई देगा वो आपको बताऊंगी, और वो भी अगर हम मल्टी कलर ऊन पे बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये देखिए दो फंदे उल्टे आ गए। तो जब ये चार सिलाइयां हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत और उभरा हुआ बुनाई डिजाइन है। और फ्रेंड्स इसकी खासियत ये कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेच भी हो जाता है, जैसे अगर आप जो है इसको किसी बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पे यूज करना चाहते हैं, जैसे इससे आप जैकेट बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, बेबीज बैग स्लीपिंग बैग बना सकते हैं, इवन कुशंस वगैरह, बैग पर्सेस कुछ भी इससे बनाएंगे, काफी उभरा हुआ है। और क्योंकि ये रिबिंग पे बेस्ड है इसलिए इसमें हमें फंदे बढ़ाने होते हैं, जो कि हम बॉर्डर के बाद
थोड़े फंदे बढ़ाते हैं और पांच पांच के मल्टीपल में ही आपने फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि पांच पांच के मल्टीपल में ही ये पैटर्न चलता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और बैक साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देता है, काफी थिक ये बनता है और किसी भी तरह की ऊन पे इसे बनाएंगे ये उतना ही सुंदर ही लगने वाला है। आप चाहें तो ये गैप बीच में जो उल्टे हमने दो फंदे बुने थे ये गैप बढ़ा भी सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छा ऐसे इफेक्ट देता है, देखिए पत्ती की शेप का। तो इसे ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैं बना रही हूँ ये भी एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए अलग तरह का थोड़ा सा कार्डिगन बनेगा, तो अगर आपको ये बनाना होगा तो एक दो दिन के बाद मैं ये वीडियो रिलीज करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये बनने के बाद दिखेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से और ये पैटर्न ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।